प्राचीन श्री रामलीला कमेटी पुराना दसवा घाट मुरादाबाद के रामलीला महोत्सव समारोह में आज विद्युत विभाग और नगर निगम की हट धार्मिकता के कारण दसवें घाट के रामलीला को गत वर्षों की भांति विद्युत कनेक्शन न मिलने पर प्राचीन रामलीला पर संकट के बादल राम राज्य में छाने लगे हैं। अगर समय रहते नगर निगम की तरफ से रामलीला को विद्युत कनेक्शन न मिला तो 70 वर्षों पुरानी रामलीला बंद होने के कगार पर पहुँच जाएगी, क्योंकि रामलीला प्राचीन एवं गरीब तबके से जुड़ी है। कोई बड़ा फाइनेंस करने वाला नहीं है। बाजार से चंदा उगाकर रामलीला के खर्चे की व्यवस्था गत वर्षों से होती आई है, जिसमें विद्युत विभाग और नगर निगम अपने स्तर पर विद्युत पूर्ति एवं सफाई व्यवस्था देते रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों विभाग विद्युत सप्लाई नहीं देने पर अड़े हैं, जिससे प्राचीन श्री रामलीला कमेटी पुराना दसवां घाट के रामलीला को बचाने के लिए प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, पूरे रामलीला परिवार के साथ खर दूषण, सूर्पनखा ने अन्य पात्रों के साथ सज्जा के साथ मंचन स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दोनों विभागों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। हाथों में विभाग के खिलाफ तख्तियां लिए हुए थे। धरना रात्रि 8 बजे से रामलीला समय की समाप्ति तक जारी रहा। प्राचीन रामलीला के अस्तित्व को बचाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु जुटने लगे और दोनों विभागों के खिलाफ नारेबाजी की। यथार्थ किशोर नाम है। जी, ये कौन सा इलाका है और आपकी क्या समस्या है? ये श्री रामलीला, प्राचीन श्री रामलीला कमेटी, पुराना दसवां घाट, थाना नागकनी। कितने वर्षों से यहाँ रामलीला होती आ रही है? ये बहुत पुरानी रामलीला है, बरसों से मतलब होती चले आ रही है, 500 वर्षों से। मेरी उम्र भी लगभग 46 साल हो गई। मैंने बचपन से रामलीला होती देखी और आज मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं इस रामलीला कमेटी के अध्यक्षता कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या समस्या है आप रामलीला क्यों नहीं हो पाए? यहाँ पे लाइट की समस्या है, लाइट नहीं दी जा रही श्री रामलीला कमेटी को। क्यों नहीं दी जा रही, क्या कारण? ये सब कोई बताने को तैयार नहीं है कि अधिकारियों के पास जाते रहे, हमें आश्वासन देते रहे कनेक्शन हो जाएगा, आपका कनेक्शन लग जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, और एंड में मतलब फिर ये कह दिया कि आपका कनेक्शन नहीं हो सकता। पिछले वर्षों में आप कैसे करते आए हैं? पिछले वर्षों में यहाँ प्रकाश व्यवस्था नगर निगम द्वारा मतलब होती रही है। आपके क्या हुआ? आपके साहब नगर निगम जो है यहाँ की व्यवस्था नहीं कर रहा है, बाकी सब जगह की व्यवस्थाएँ हो गई, सब जगह रामलीला चल रही है। तो ये रामलीला आपकी कब शुरू होनी थी? ये 4 तारीख को इसका शुभारम्भ हुआ। तो अब ये कैसे करा रहे हैं आप रामलीला? अब ये हम अपने रामलीला कमेटी अपने खर्चे पे करा रही थी, अपने खर्चे से जनरेटर, लाइट की व्यवस्था सब अपने खर्चे से कर रही थी। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है, रामलीला कमेटी के पास कोई बजट नहीं है खर्चा करने का, और अधिकारियों से निवेदन करते करते परेशान हो गए और हमें वो आश्वासन पे रखा और हमारी कोई मदद नहीं करी, ना ही कोई हमें दिया। तब की सभी जगह इन्होंने मतलब जो कहीं मीटर दे रखा है तो कहीं पोल उतार के दे रखा है, लेकिन हमारी कमेटी को कोई भी इन्होंने सुविधा नहीं दी विद्युत विभाग। आज आप क्या कर रहे हैं? आज मजबूरी में हमें अपने मंच के ऊपर ही बड़े शर्म के बाद है और बड़ा अफसोस के साथ हमें आज जो है अपने ही मंच पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पालते होना पड़ गया। आज बैठे हैं हम क्योंकि हमें जब लाइट की सुविधा नहीं हुई तो हम रामलीला कैसे कराएँ बताइए। हमारे दान दादा जितने उनका पैसा हमारा सारा लाइट में जा रहा है, जनरेटर में और तेल में, हम इन लोगों को पेमेंट कहाँ से देंगे साहब? अभी तक तो जनप्रतिनिधि या किसी ने आपकी सुनी? नहीं सर, अभी किसी ने भी कोई नहीं सुनी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसे कि लाइन पार में मीटर दिया हुआ है, उनकी फाइल में मीटर दर्ज है, निःशुल्क है वो मीटर, ऐसी सुविधा मतलब हमें भी दी जानी चाहिए और हमें भी मिलती थी, लेकिन उन्होंने हमारी फाइल में मीटर गायब कर दिया, हमारी फाइल में मीटर नहीं है। मान लीजिए इस समस्या का समाधान नहीं होता है लाइट, तो आप रामलीला कैसे कराएंगे और रामलीला कैसे कराएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई ऐसा हल निकाल करके हमारी समस्या का समाधान करेंगे, और हमें उम्मीदें और आशा करते हैं ऐसे, और हमें ये उम्मीद है कि हमारा मतलब राम मंचन जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा जब हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी। क्या